हाय डियर स्टूडेंट्स दिस इज उषाकर मिश्रा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मार्फॉलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की जहां अब तक हम लोग लेक्चर छः में रूट स्टेम लीफ इन की डिस्कशन कर ली थी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर्स की डिस्कशन को स्टार्ट किया था जहां हमने इस बात को कहा था कि फ्लावर के स्टडी के लिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे उन सारे टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन करना हम लोगों के लिए ज़रूरी था तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर के होल्स के बारे में जहां हम लोगों ने ये जाना था कि फ्लावर में दो होल्स होते हैं एक को कहा जाता है एसेसरी होल्स दूसरे को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव होल्स एसेसरी होल मतलब क्या होना सपोर्टिव होल हो ये कैसे होल होंगे नॉन इसेंशियल होल होंगे अगर ये फ्लावर में हैं तो भी ठीक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें कैलिक्स कोरोला था कैलिक्स के सिंगुलर को हम लोग कहते हैं सेपल्स और कोरोला के सिंगल्स को हम लोग कहते हैं पेटल्स और यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैलिक्स कोरोला अगर फ्यूज है क्या हो कैलिक्स कोरोला अगर फ्यूज है तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था पेडियंथ कहा था और उसके सिंगुलर को हम लोग क्या कहे थे टेपल्स कहे थे ठीक है इसके आगे हम लोग डिस्कशन किए थे फ्लावर सेक्स के बारे में जहां हम लोगों ने यह जाना था व्हाट इज बाय फ्लावर व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह के फ्लावर थे स्टामिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर स्टामिनेट फ्लावर वैसे फ्लावर को कहे थे जहाँ पर स्टामिना हो जहाँ पर क्या हो स्टामिनस हो एंड्रोशियम हो और पिस्टिलट फ्लावर वैसे फ्लावर को कहे थे जहाँ गाइनेशियम प्रेजेंट हो एंड्रोशियम और गाइनेशियम जो है ये दोनों मिलकर हम लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव होल या इसेंशियल होल को क्या करता है कम्प्राइज करता है इसके बाद प्लांट सेक्स के बारे में डिस्कशन किए थे जहां हम लोगों ने हर्माफ्रोडाइट मोनोशियस डायोसियस पॉलीगामस जैसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को डिस्कशन किया था यहां हम लोगों ने ये जाना था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लावर सेक्स एंड प्लांट सेक्स जहां हम लोगों ने बाई यूनिसेक्सुअल को मोनोशियस डायोसियस पॉलीगामस कंडीशन से क्या किए थे डिफ्रेंशिएट किए थे इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर सेमेट्री के बारे में जहां हम लोगों ने जाना कि फ्लावर सेमेट्री तीन तरह का होता है एसीमेट्रिकल फ्लावर जायगोमार्फिक फ्लावर और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर ए सीमेट्रिक फ्लावर वैसे फ्लावर थे जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी जिसको किसी भी एक्सेस से अगर आप कट करो तो वो इक्वल हाफ में नहीं आएंगे जयगोमॉर्फिक फ्लावर वैसे फ्लावर थे जिसको अगर कट किया जाए तो वो सिर्फ एक हाफ से सिर्फ एक एक्सेस से क्या होगा इक्वल कटेगा जबकि एक्ट्रीनोमॉर्फिक फ्लावर वैसे फ्लावर थे जो रेडियल थे तो हम इसको कह सकते हैं ये सिमेट्री जो था यानी जयगोमॉर्फिक सिमेट्री जो है वो एनिमल में बायलैटरल सिमेट्री के इक्वल है जबकि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो है ये एनिमल में कैसे हैं रेडियल सिमेट्री के इक्वल है ठीक है इसके आगे हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ होल्स के बारे में जो डिस्कशन की थी साइक्लिक होना एसाइक्लिक e होना साइक्लिक e होना इस सारे डिस्कशन हम लोगों ने लेक्चर छः में कर रखे अगला जो टर्म हम लोगों को मिला था वो था साइलिस जिसमें हम लोग यूनिसेरिएट बाई सेडियट मल्टी डाइक्लाइमेडस, होमोक्लाइमेडस, होमो ए क्लाइमेडस ऐसे काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी से आपका क्या कराया था इंट्रोडक्शन कराया था मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके नोट्स बना रखे होंगे उसमें किसी तरह के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं व्हाट इज़ यूनिसेरिएट व्हाट इज़ बाय सेरिएट और डाइक्लाइमेडी में क्या डिफरेंस है ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने लेक्चर छः में कर लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था उस दिन वो था मेरोसिटी के बारे में जहां हम लोगों ने देखा था मेरोसिटी में कि होल्स का नंबर कितना होता है होल्स में कितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको मेरोसिटी कहे थे जहां हम लोगों ने आइसोमेरस पढ़ा आइसोमेरस फ्लावर वैसे फ्लावर को पढ़े थे जहाँ इक्वल नंबर ऑफ कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम हो एन आइसोमेरस पढ़े जहाँ इक्वल नंबर में प्रेजेंट नहीं हो बाई मेरस पढ़े जहाँ पे दो प्रेजेंट हो दो कैलिक्स दो करोला ट्राई मेरस पढ़े जहाँ पे तीन कोरोला तीन कैलिक्स उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेट्रा मेरस जहाँ पर भी चार के नंबर में प्रेजेंट हो पेंटा मेरस उसके बाद पढ़ा पाँच के मेंबर में प्रेजेंट हो ट्राई मेरस जो है ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है जबकि पेंटामेरस किस चीज़ का एग्जाम्पल है डाईकॉट का एग्जाम्पल है लेकिन डायकॉट में एक की ऐसी फैमिली है ब्रासका है जिसको हम लोग मस्टर्ड फैमिली कहते हैं जिसमें मस्टर्ड आएंगे सरसों आएंगे मूली आएंगे ये जो फैमिली होती है ये टेट्रामेरस होती है और यही क्वेश्चन एक्सेप्शन है क्योंकि क्या क्या एक टाइकॉर्ड था और वो पेंटामेरस की जगह टेट्रामेरस शो करता है इसलिए ये नीट का क्वेश्चन बना हुआ है हम लोग डिस्कशन किए थे फ्लावर पार्ट्स के बारे में जहाँ हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैलिक्स और कोरोला के बारे में कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से क्यों क्योंकि तो कैलिक्स जब वर्ड शुरू होता है तो वो लगता है के प्रोनाउंस पहले होता है इसलिए इसके रिप्रजेंटेशन केस से इसके सिंगुलर फॉर्म को सेपल्स कहते हैं इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गैमोसैप्लस कंडीशन पॉलीसैपलस कंडीशन गैमोसैप्लस कंडीशन वैसे कंडीशन को कहे थे जहाँ फ्यूज कैलिक्स हो पॉलीसैपलस कंडीशन वैसे कंडीशन को कहे थे जहाँ पे कैलिक्स क्या हो फ्री हो कोरोला के बारे में उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कोरोला का सिंगुलर फॉर्म पेटल्स था कोरोला फ्लावर का ब्राइट कलर का वो पार्ट है जो पॉलीनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जबकि कैलिक्स जो है ये जनरली ग्रीन कलर का होता है और इसका काम क्या था बर्ड प्रोटेक्शन के लिए था यहाँ भी हम लोगों ने गेमो और पॉली पेटल्स पढ़े थे जिसका मतलब था पॉली मतलब मैनी पेटल्स मतलब पेटल जहाँ एक ऐसा फ्लावर जिसमें मैनी पेटल्स प्रेजेंट हो मैनी पेटल्स कहने का मतलब ये जो भी होंगे तो ये कैसे होंगे ये फ्री इन फ्री होंगे और ये जब भी होंगे तो ये कैसे होंगे यूनाइटेड होंगे या फ्यूज होंगे इस सारी डिस्कशन की थी इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था पेरियंथ के बारे में जिसके सिंगुलर को हम लोग टेपल्स कहते हैं यहाँ तक कि डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एस्टिवेशन के बारे में एंड्रोशियम और गायनीशियम के बारे में ठीक है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहते हैं लेक्चर नंबर सिक्स को अब हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करेंगे एस्टिवेशन को सबसे पहला बात एस्टिवेशन होता क्या ये तुम लोग के लिए एक नया टर्म है इससे पहले शायद एस्टिवेशन टर्म से तुम लोग वाकिफ नहीं हो तो एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेट एंड पेटल्स इन अ फ्लावर बर्ड फ्लावर बर्ड के अंदर कैलिक्स करोला का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे एस्टिवेशन कहेंगे देखो एक चीज़ कहते हैं इस चैप्टर में अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों ने फाइलोटैक्सी पढ़ा था जहाँ लीफ का अरेंजमेंट था हमने वेनेशन पढ़ा था जहाँ वेन्स का अरेंजमेंट था हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस था उसी तरह अब हम लोग क्या पढ़ रहे, है? रहे हैं एस्टिवेशन पढ़ रहे हैं जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स पे एंड पेटल्स था फ्लावर बर्ड में ये तीन तरह के बेसिकली होते हैं वालवे ट्विस्टेड और एम्ब्रिकेट बाद में एम्ब्रिकेट का ही दो पार्ट्स और डिवाइड किया जाता है क्विंटिशल और वेस्लरी इसको टोटली फाइव टाइप्स के पढ़ने होते हैं आपके एनसीआरटी बुक में क्विंक्शियल को नहीं डिनोट किया है बट चलो ठीक है एक पार्ट से बता देते हैं तो सबसे पहला है वाल्वेट वाल्वेट एस्टिवेशन में जो कैलिक्स होंगे दिस इज योर रिप्रेजेंटेड कैलिक्स ये जो कैलिक्स या कोरोला या जो सैपल्स कहो या पेटल्स कहो जो कुछ भी कहो ये पार्ट आपस में यह देखो ओवरलैप नहीं ना कर रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग क्या होगा नॉन ओवरलैपिंग डू नॉट ओवरलैप लिखा हुआ है ओवरलैप नहीं करेगा क्या करेगा जस्ट टच कहने का मतलब कि ये जो दोनों कैलिक्स को रोला है ये अगर एक कैलिक्स का पार्ट है ये दूसरा कैलिक्स है तो ये दोनों कैलिक्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप नहीं करेगा ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ टच करता रहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं ट का एग्जाम्पल क्या है कैलिक्स ऑफ मालवेसी मालवेसी फैमिली किस चीज का है याद करना चाइना रोज का मालवेसी का एक कॉमन एग्जाम्पल चाइना रोज है तो इसके कैलिक्स में ऐसा देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस मदार जिसको कहते हैं उसमें यह चीज देखने को मिलता है जहां पे सेपल्स पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं सेपल्स पेटल्स एक दूसरे के साथ टच पोजीशन में रहते हैं टच करते हुए रहते हैं ठीक है अगला है ट्विस्टेड ट्विस्टेड वर्ड जो आया है ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है आई एम ट्विस्टिंग दिस मोड़ना तो मोड़ने में क्या होगा एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे आएगा जब रेगुलर फैशन में ट्विस्टिंग अवेलेबल हो कहा कोरोला में तो उसको हम लोग कहेंगे ट्विस्टेड जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो ये देखो एक कैलिक्स कोरोला का दो पार्ट है एक पार्ट एक्सटीरियर ये देखो एक्सटीरियर मतलब क्या है बाहर की ओर है तो इसी कैलिक्स का दूसरा जो एंड है वो इंटीरियर है अंदर की ओर है है ना ये पहला था दूसरे में देखो ये इसका एक पार्ट एक्सटीरियर है दूसरा पार्ट क्या है इंटीरियर है तीसरे में देखो इसका पहला पार्ट क्या है एक्सटीरियर है दूसरा पार्ट क्या है इंटीरियर है चौथे में देखेगा बच्चा चौथा अगर एक्सैपल्स को देखें तो पहला क्या है एक एंड एक्सटीरियर दूसरा एंड क्या है इंटीरियर और पांचवें कैलिक्स में देखोगे पांचवें सेपल्स में देखोगे पेटल्स में देखोगे तो यहाँ ये एक्सटीरियर है यहाँ पे ये इंटीरियर है तो यहाँ क्या चीज देखने को मिला एक रेगुलर फैशन में ट्विस्टेड ट्विस्टिंग अवेलेबल है कैलिक्स कोरोला के बीच एक रेगुलर फैशन में ट्विस्टिंग अवेलेबल है कैलिक्स कोरोला के बीच इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन इस तरह के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिमेशन करते हैं जो पेटल्स में देखने को मिलता है किसके चाइना रोज के अड़हुल के फूल में तुम अरहुल के फूल को देखोगे जो पांच पत्ते पांच पंखुड़ियां वाली होती हैं उसमें क्या होगा एक पेटल्स जो है एक पेटल्स का एक एंड एक्सटीरियर रहेगा और इंटीरियर दूसरा एंड इंटीरियर रहेगा जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल मान लो ये एक पेटल है तो इसका ये एंड जो है एक एंड क्या हुआ इंटीरियर होगा तो दूसरा एक्सटीरियर ये एंड इसके लिए एक्सटीरियर था क्यों क्योंकि ये इससे इसका ये एंड इंटीरियर है तो इसी तरह फिर इसका ये एंड क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एक रेगुलर फैशन में जब पेटल्स सेपल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करते हुए इंटीरियर एक्सटीरियर का एक रेगुलर फैशन बनाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन अगला हम लोगों को पढ़ना है एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और ट्विस्टेड में बस डिफरेंस ये था यहाँ रेगुलर फैशन में क्या होगा ट्विस्टिंग अवेलेबल होगा यहाँ रेगुलर फैशन में नहीं होगा इसीलिए यहां लिखा हुआ इरेगुलर ओवरलैपिंग इरेगुलर ओवरलैपिंग कहने का मतलब जरा यहाँ डायग्राम देखोगे पहला है दोनों इसका जो एंड है ये दोनों एंड क्या है इंटीरियर है अंदर की ओर है जबकि इस दूसरा जो कैलिक्स है इसमें देखेगा ये एंड क्या है एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है तीसरा जो है इसमें क्या है दोनों एंड एक्सटीरियर हो गया अगला जो चौथा कैलिक्स है इसमें क्या है एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है पांचवे में क्या दिख रहा है ये पा, ये जो इंटीरियर है और ये क्या है ये इंटीरियर है और ये क्या है एक्सटीरियर है है ना तो यहां पे रेगुलर फैशन में नहीं दिख रहा है यहां पे रेगुलर फैशन में नहीं दिख रहा है कैसे एक मेंबर जो है ये कंप्लीटली एक्सटीरियर है एक मेंबर ये जो थर्ड नंबर का हमारा कैलिक्स है ये कंप्लीटली एक्सटीरियर इसका दोनों पैटर्न क्या है एक्सटीरियर साइड में है एक पैटल एक जो है वो कंप्लीटली इंटीरियर है देखो पहला जो पैटर्न है वो क्या है कंप्लीटली इंटीरियर है जबकि बाकी तीनों क्या करते हैं आपस में मार्जिन शेयर करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर के तहत बाकी तीनों में देखोगे तीन ए तो सॉरी दो तीन और पाँच में एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक्सटीरियर अरेंजमेंट है इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इम्डिकेट एस्टिवेशन जो कि डेलोनिक्स में देखने को मिलता है डेलोनिक्स गुल्हर के फूल को कहते हैं गुलमोहर के फूल को कहते हैं ठीक है डेलोनिक्स रीजिया सिसल पीनियसिस के फैमिली का नाम है नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है क्विनशियल है क्विंक्शियल एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एक टाइप है कैसे टाइप है जरा ये देखोगे यहाँ पे एक पैटल इंटीरियर था और एक पैटल एक्सटीरियर था क्विंक्शियल में दो पैटल एक्सटीरियर हो जाएंगे दो पैटल इंटीरियर हो जाएंगे जबकि एक पैटल क्या होंगे मार्जिन शेयर करेंगे कैथरेन्स सदाबहार के फूल में ये देखने को मिलता है देखो ये जो पैटल है पहला पैटल इसमें दोनों एंड एक्सटीरियर है दूसरा पैटल देखो इसमें ये इंटीरियर और ये भी इंटीरियर है तीसरा पैटल देखो ये एक्सटीरियर ये एक्सटीरियर है चौथा पैटल देखो ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर है और पांचवा पैटल देखो ये इंटीरियर और ये इंटीरियर है और क्विंटन में अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक पैटल कंप्लीटली क्या होगा एक्सटीरियर होगा तो पहला जो है ये कंप्लीटली एक्सटीरियर है और तीसरा जो है ये क्या है कंप्लीटली एक्सटीरियर है जबकि दो पैटर्स सॉरीशन में भी हम लोग पढ़े हैं कि दो पैटल कंप्लीटली एक्सटर्नल होगा जैसे कि पहला और तीसरा जबकि दूसरा देखो कंप्लीटली इंटरनल है है, और उसके साथ ही साथ देखो और कौन सा ऐसा है जो कंप्लीटली क्या है इंटीरियर है तो चौथा नंबर का जो पैटल है ये भी कंप्लीटली क्या है इंटीरियर सॉरी चौथा नहीं पांचवा नंबर का जो पैटल है यह भी क्या है कंप्लीटली इंटीरियर है और एक पैटल जो चार नंबर वाला पैटल है यह इंटीरियर एक्सटीरियर का अरेंजमेंट शो करता है दिखा तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ और सोरोला को हम लोग क्या कहेंगे कुण कुण एस्टिवेशन कहेंगे जैसा कि कैथरेंटस रोज में देखने को मिलता है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं अगला जो एस्टिवेशन पढ़ना है उस एस्टिवेशन का नाम है वैक्सीलेडी उस एस्टिवेशन का क्या नाम है वैक्सीडी हम लोग जब कैलिक हम लोग जब पेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे तब तो वहाँ एक एस्टिवेशन हम लोग एक पेटल्स का फॉर्म पढ़ा था वैक्सीडियम याद करोगे पेपलोनेसी फैमिली में था तो यहाँ भी उसी तरह का अरेंजमेंट होगा एक कैली एक जो पेटल है ये बहुत बड़ा हो जाएगा जो पोस्टिनी क्या हो गए पाए जाएंगे जिसको ंग कहते थे या स्टैंडर्ड कहते थे उसके बाद दो जो होंगे ये internal और ये ये इसका जो end होगा, ये external होगा। अब जो जो होगा होगा दो होंगे एक internal, external का alternate pattern follow करेंगे जिसको जिसको हम लोग ला, जो पेटल था, जिसको हम लोग लोग था कहते कहते थे एली कहते थे और उसके बाद जो दो होंगे जो पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न था ये मेरा क्या होगा एंटीरियर पेटल था ये भी इसी तरह के अरेंजमेंट को शो करेगा एक इंटरनल एक्सटर्नल जिसको हम लोग कीलिया कार्निया कहते हैं ठीक है थे, तो इस इस तरह का जो एस्टिवेशन है इस तरह का एस्टिवेशन हम लोग पेपोनरेंसी फैमिली में देखे थे दलहन के परिवार में देखे थे जैसे कि मटर चना इस सब में देखने को मिलता है और एक चीज याद रखना एस्टिवेशन को एस्टिवेशन के को अगर हम कोरिलेट करते हैं सिमेट्री से तो एकमात्र वैक्सलरी एस्टिवेशन ऐसा एस्टिवेशन है जो कैसा अरेंजमेंट शो करता है बायलैटरल अगर ये मदर एक्सिस है तो यही एकमात्र एस्टिवेशन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बायलैटरली डाइसेक्ट कर सकते हैं बाकी जो होते हैं बाकी चार जो हम लोग पढ़े हैं ये रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं रेडियल सिमेट्री शो करते हैं याद होगा कि रेडियल के लिए कुछ टर्म आया था बायोलैट्रल के लिए कोई टर्म आया था एक्टिनोमॉर्फिक जरा एक्टिनोम को आप लोग रिवाइंड करोगे पिछले लेक्चर से ठीक है तो एस्टिवेशन समझ में आया क्या था एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स करोला या अरेंजमेंट ऑफ सेपल पैटल इन अ फ्लावर बर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन पांच तरह के थे वाल्वेट जहां पे टच नहीं करेगा जहां ओवरलैप जहां पे टच करेगा ओवरलैप नहीं करेगा ट्विस्टेड एक रेगुलर फैशन में क्या करेगा ओवरलैपिंग होगा इम्प्रिकेट एक मेंबर कम्प्लीटली एक्सटीरियर एक मेंबर कम्प्लीटली इंटीरियर बाकी तीन मेंबर जो है वो एक्सटीरियर इंटरनल का पैटर्न फॉलो करेगा क्विनशल कुण में हम लोग पढ़े कि दो पैटल्स जो होंगे वो कम्प्लीटली एक्सटर्नल दो पैटल कम्प्लीटली इंटरनल एक पैटल जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल का पैटर्न फॉलो करेगा जैसा कि कैथरेंथस में सदाबहार में और उसके बाद हम लोगों ने वैक्सलरी को पढ़ा जहां पे हम लोगों ने जाना कि एक लार्ज पोस्टेरियर पेटल्स होता है जिसको वैक्सीरियम कहते हैं जिसका मार्जिन जो है वो ओवरलैप करेगा ओवरलैप कर रहा मतलब ढक रहा है दोनों लैटरल पेटल्स के मार्जिन को जिसको हम लोग विंग और एलील कहते हैं और लैटरल पेटल्स के जो मार्जिन होते हैं वो कवर करेगा इंटीरियर पेटल कील या कार्निया के पेटल्स को ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े अब हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में तो अब तक हम लोगों ने कैलिक्स कोरोला टेपल्स और स्टिवेशन के बारे में पढ़ा है अब हम लोग थर्ड होल्स ऑफ अ फ्लावर पढ़ेंगे जो एंड्रोशियम है एंड्रोशियम जो है ये इसेंशियल होल्स है फ्लावर का क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है और ये रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है क्योंकि एंड्रोशियम ही वो पार्ट है फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव होल्स के तरह एक्ट करता है क्योंकि यहीं पर मेल गैमिट की फॉर्मेशन होती है तो एंड्रोशियम का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा स्टामिन होगा स्टामिन में तीन पार्ट्स होंगे द फर्स्ट इज एन सेकेंड इज कनेक्टिव एंड थर्ड इज फिलामेंट एंथर का काम यह है कि ये मेल गैमिट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये क्या करेगा मेल गैमिट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा तो हम कह सकते हैं एंथर इज अ असेंशियल पार्ट या एंथर इज असेंशियल इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम जबकि कनेक्टिव और फिलामेंट जो होंगे ये रिप्रोडक्शन में इनका रोल कुछ नहीं है इसीलिए इसको कहा जा सकता है इट इज नॉन इसल पार्ट ऑफ द एंड बात क्लियर है कनेक्टिव एक टिश्यू है जो एंथ और फिलामेंट को जोर के रखता है इसीलिए उसका नाम ही कनेक्टिव। कनेक्ट करके रखना किसके किस इसको एंथर एंड फिलामेंट को फिलामेंट क्या है फिलामेंट भी टिश्यूज के बने हुए लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है जिसका जिसका काम है ये ज्वाइन करके रखिएगा ज्वाइन एंथर टू द हो। होलमस से ये ज्वाइन करके एंथर को रखेगा बात क्लियर है तो हम लोगों ने स्टामिन के एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखा अब यहां पे देखो एंथर में दो कंपार्टमेंट होता है जिसको थीका कहा जाता है बात क्लियर है एक एंथर में अगर दो कंपार्टमेंट होगा तो थीका कहलाएगा और हर थीका में दो एस्पोरेंजिया होगा तो उसको क्या कहेंगे टू एस्पोरेंजिएट तो इसको हम कह सकते हैं बाय स्पोरजिएट क्या कह सकते हैं बाय स्परजिएट कह सकते हैं और अगर ये दोनों स्पोरेंजिया फ्यूज रहा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लॉक्यूल कहेंगे अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी तुम लोगों को याद रहना चाहिए लॉक्यूल और लॉडिक्यूल्स अलग अलग टर्म थे आप लोग लॉडिक्यूल्स पढ़ चुके होंगे इंफ्रोड में और यहाँ पे लॉक्यूल्स हैं इसके बाद जरा एक चीज यहाँ पे गौर करोगे ये क्वेश्चंस आपको काम आगे देगा दैट इज़ एंड्रोसियम एंड्रोसियम का सिंगलर क्या है एंथर एंड्रोसियम का सिंगलर क्या है स्टामिन और स्टामिन का पार्ट एंथर एंथर में क्या होगा टू थीका और हर थीका में क्या होते हैं दो एस्पोरेंजिया तो two into two टू फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया तो दो थीका वाले स्ट्रक्चर को एंथर को क्या कहा जाता है बाइल एंथर कौन सा एंथर बाइल एंथर क्योंकि इसमें दो थीका जैसे इस फोटो इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट एंथर है लेकिन एक दो दो कंपार्टमेंट है दू दैट इज बाइलॉब एंथर और हर में कितना कितना प्रेजेंट है दो एस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो टोटल कितने एस्पोरेंजिएट होंगे टोटल हो जाएंगे फोर माइक्रो एस्पोरेंजिएट और एस्पोरेंजी इसको हम लोग कहेंगे इस स्ट्रक्चर को टेट्रा एस्पोरेंजिएट क्या कहेंगे टेट्रा एस्पोरेंजिएट क्योंकि चार स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज होते हैं और याद रखोगे यही माइक्रो एस्पोरेंजिएट या माइक्रो एस्पोरेंजियम आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजिया मेल गैमिट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबुल होंगे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ठीक है अगर ऐसा हो स्टामिन क्या हो फर्टाइल ना हो स्ट्राइल हो तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टामिनोड कहते हैं स्ट्राइल स्टामिन का मतलब ऐसा स्टामिन जिसमें मेल गैमिट्स की फॉर्मेशन नहीं हो क्या हो मेल गैमिट्स की फॉर्मेशन नहीं हो उसको स्टामिनोर्स कहते हैं जो कासिया में देखने को मिलता है ये भी इस का एक मेंबर है आगे बढ़ते हैं हम लोग हर जगह टॉपिक पढ़ने के बाद उसका फ्यूजन पढ़े थे तो यहाँ भी हम लोग फ्यूजन पढ़ेंगे तो फ्यूजन ऑफ एस्टामिन दो तरह के होते हैं कोहेसेंस ऑफ एस्टामिन और दूसरा है एडेसेंस ऑफ एस्टामिन कोहेसन ऑफ एस्टामिन मतलब क्या है अगर कोहेसन मतलब आपस में बॉन्ड बनाए आपस में जुड़ा हो अगर एंथर का पार्ट आपस में जुड़ जाए तो उसको हम लोग ऑफ स्टामिन कहेंगे और एडेशन स्टामिन फ्लावर के अदर किसी पार्ट से ज्वाइन हो जाए तो उसको एडहेशन ऑफ द स्टामिन कहेंगे बात क्लियर है इसीलिए लिख रहा हूं वेन द फ्लोरल पार्ट यहां फ्लोरल पार्ट कहने का क्या मतलब एंड्रोशियम यहां पे फ्लोरल पार्ट कहने का क्या मतलब एंड्रोशियम वेन द एंड्रोशियम ज्वाइन विथ या फ्यूज विथ सिमिलर हो सबसे पहला इसमें हम लोगों का टर्म आता है ए डेल्फी ए डेल्फी कंडीशन कहा जाता है जहां पे फिलामेंट जुड़े हुए होंगे एक से अधिक बंडल में लेकिन एंथर कैसे होंगे फ्री होंगे ये बात याद रखोगे ए डेल्फी ऐसा कंडीशन है जहाँ पे फिलामेंट्स जुड़े होंगे लेकिन एंथर कैसे होंगे फ्री होंगे मान लो ये एक एंथर ये एक आपका स्टामिन है जिसका ये पार्ट एंथर है ये फिलामेंट है ये एक एंथर है एक ये एक स्टामिन है जिसका ये पार्ट जो ये जो पार्ट है ये एंथर है ये फिलामेंट है अगर ऐसा कंडीशन हो कि ये दोनों देखो ये दोनों देखो एंथर क्या है फ्री है लेकिन फिलामेंट यहाँ पे क्या है फ्यूज्ड हैं तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं ए कंडीशन कहते हैं जिसमें सबसे पहला कंडीशन आता है मोनोडेल्फास मोनो मतलब एक जैसे चाइना रोज के फ्लावर में तुम लोग देखे हो कि एक ही बंडल पे मेल एक ही बंडल पे सारा का सारा फिलामेंट जो है वो अरेंज होता है और वहां हैं एंथर क्या होते हैं है? फ्री होते हैं इसी तरह का कंडीशन तुम लोग देखे हो चाइना रोज में दिस इज योर एंथर ये एंथर कैसे है फ्री है जबकि फिलामेंट एक ही बंडल पे अरेंज है ऐसे कंडीशन को हम लोग मोनोडेल्फस कंडीशन कहते हैं जो मालवेसी में जो हम लोग चाइना रोज में देखने को मिलता है हेबिस्कस रोजा साइनस में देखने को मिलता है अड़हूल में देखने को मिलता है ठीक अगला कंडीशन है डायाडेल्फस अगर ऐसा कंडीशन हो कि ए एस्टामस जो हैं एस्टाम के जो फिलामेंट्स हैं ये दो बंडल में हो एक बंडल आप यहाँ देख रहे हो दूसरा बंडल यहाँ देख रहे हो ये जो पार्ट्स हैं ये जो आप सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट ऑल आर एंथ और ये दो फिलामेंट है एक फिलामेंट और दो फिलामेंट तो यहाँ पे क्या है ये नौ जो है ये फ्यूज हुए हैं एक पर और ये एक जो है ये अकेले हैं दिस कंडीशन इज नोन एज डायट डल्फस जो फेवियसी फैमिली दलहन परिवार में देखने को मिलता है जैसे कि पी ग्राम ये सारे में नेक्स्ट कंडीशन पोलीडेल्फस जहां पे फिलामेंट्स जो हैं वो बहुत सारे बंडल में हो, मैनी बंडल्स में हो दो से अधिक बंडल्स में हो ऐसे कंडीशन को हम लोग पॉलीडल्फस कहते हैं जैसे कि साइट्रस और बॉम्बैक्स में साइट्रस मतलब नींबू हुआ लेमन फैमिली बॉम्बैक्स बॉम्बैक्स आप लोग कॉटन सिल्क को कहते हो नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज सीनाजियस यहाँ पे एक टर्म याद रखोगे इट दिस इज सीनाजियस एंड सी दिस इज सिंट एंड्रस सीन एंजियस ऐसा कंडीशन है कि यहां एंथर फ्यूज करेगा फिलामेंट फ्री रहेगा इस कंडीशन में क्या था फिलामेंट फ्यूज करेगा एंथर फ्री था लेकिन इस कंडीशन में क्या है एंथर फ्यूज करेगा फिलामेंट कैसा रहेगा फ्री रहेगा जैसे कि स्टेटसी फैमिली में है ठीक जैसे इस कंडीशन में यहाँ डायग्राम में है ये एंथर्स है आप देख सकते हो कि देर आर थ्री एंथर

ये हमेशा याद रखोगे एडेल्फी कंडीशन जहाँ फिलामेंट कर, जहां पे फिलामेंट क्या करे ज्वाइन कर ले फ्यूज कर जाए और एंथर फ्री रहे सिनाड्रस कंडीशन जहाँ पे एंथर फ्यूज कर जाए फिलामेंट फ्री रहे सिन एंड्रस कंडीशन जहाँ फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज कर जाए ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिन एंड्रस कंडीशन जो कुकुर बेटेसी फैमिली में देखने को मिलता है आगे बढ़े तो यहाँ पे जो इस तीनों के कंक्लूजन में हम कह सकते हैं चाहे वो सीनाइ्रस कंडीशन हो सीना सिंजेनियस कंडीशन हो या एडल्फी कंडीशन हो तीनों में फ्यूज़न कहाँ देखने को मिला एंथर के अपने स्टामिन के अपने ही पार्ट में देखने को मिला या तो एंथर फिलामेंट दोनों फ्यूज हो या तो एंथर फ्यूज हो फिलामेंट फ्री हो या तो फिलामेंट फ्यूज हो एंथर फ्री हो यही तीन कंडीशन होते और यही तीन कंडीशन हम लोगों ने देखा अब हम लोग बढ़ेंगे एडहेशन ऑफ़ द स्टामिन के तरफ एडहेशन ऑफ द स्टामिन्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं जहाँ पे स्टामिन फ्यूज करेगा एडहेशन फ्यूज़ करेगा कहा किससे अदर फ्लोरल पार्ट से हो सकता है कि वो जाके पेटल से फ्यूज कर जाए हो सकता है वो गाइनेशियम से फ्यूज कर जाए ऐसे हो सकता है वो टेपल से फ्यूज़ कर जाए ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं एडहेशन ऑफ़ द स्टामिन सबसे पहला केस आता है ईपी पेटलस ईपी पेटलस देखो पेटल्स वर्ड है यहां है तो आप कह सकते हो ऐसा ये केस होगा जहां पे स्टामिन फ्यूज किससे कर जाएगा पेटल से फ्यूज कर जाएगा जो सोलनेसी फैमिली में देखने को मिलता है ब्रिंजल हुआ चिलीज हुआ मिर्च में दैट इज ईपी पेटलस कंडीशन नेक्स्ट इज ईपी फाइलस ई यहाँ जो फाइलस वर्ड आया है ये फाइलस वर्ड टेपल्स के लिए आया है इसीलिए ई को ई पी भी कहते हैं यानी यहाँ पे एस्टामिस यानी यहाँ पे एस्टामिस जो हैं वो टेपल्स के साथ क्या कर जाएंगे फ्यूज कर जाएंगे जैसे कि लिलियसी या लिली में देखने को मिलता है नेक्स्ट है गाइनेड्रस नेक्स्ट है गाइनेड्रस गायने यानी गायनोशियम और एंड्रोशियम के बीच क्या हो फ्यूज़न हो या तो पूरा का पूरा स्टामिन फ्यूज कर जाए गायनोशियम से या तो एंथर फ्यूज कर जाए गायनोशियम से ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं गाइनेड्रस कंडीशन जो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है तो फ्यूजन ऑफ एस्टामिन में हम लोगों ने समझा या तो फ्यूजन उसके अपने ही पार्ट में हो सकते जो कोहेसन कहलाते हैं या तो वो फ्यूजन दूसरे होल से करता है जिसको एडेशन कहते हैं चाहे वो पेटल से करे चाहे वो टेपल से करे चाहे वो गाइनेशियम से करे अगर अपने में करता है तो फिलामेंट फ्यूज़ कभी हो जाएगा तो एंथर फ्री कभी एंथर फ्री है तो फिलामेंट फ्यूज़ कभी ऐसा हो कि फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज हो जाए ठीक है अब हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ द स्टाम्स के बारे में अब देखेंगे हम लोग इस्टामिन्स के इंसर्सन के बारे में लेंथ ऑफ द स्टामिन ठीक है देखो इस्टामस के जो लेंथ होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं इसके टाइप्स को बनाने के लिए सबसे पहला जो हम लोगों को टाइप्स पढ़ना स्टामिन के लेंथ पे वो है डाई डाइनेमस डाई डायनेमस अगर ऐसा एक केस मानो या ऐसा होता भी है बहुत सारे फैमिली में जैसे कि एग्जाम्पल लेबियटसी फैमिली है लेबिएटा होलीफेस तुलसी के परिवार में ऐसा होता है कि चार स्टामिन प्रेजेंट होते हैं जिसमें दो स्टामिन क्या होंगे बड़े बड़े होंगे दिस इज योर लॉन्ग स्टामिन और दिस इज योर शॉर्ट स्टामिन है तो ये दोनों के लेंथ डिफर करता है ऐसे जो स्ट्रक्चर होंगे ऐसा जो केस होगा उसको कहेंगे डायडाइनेमस क्या कहेंगे डाई डाइडाइनेमसा था, स्टामिन जहां पे क्या होंगे दो लॉन्ग स्टामिन होंगे और दो कैसे स्टामिन होंगे शॉर्ट स्टामिन होंगे उसी में फिर दूसरा एक टाइप्स आता है दैट इज टेट्रा वर्ड पकड़िएगा बच्चे लोग टेट्रा चार टेट्रा टेट्रा स्ट्रक्चर या टेट्रा डायनेमस स्टामिन अगर छह स्टामिन प्रेजेंट हुए अगर छह स्टामिन प्रेजेंट है तो वो छे स्टामिन जो होंगे वो दो होल्स में अरेंज होंगे हम लोगों ने पढ़ा था यूनिसेडिएट बाई सेट तो ये जब भी अरेंजमेंट करेगा तो यूनिडिएट करेगा ये अरेंजमेंट जब भी करेगा तो बाइसेडियट अरेंजमेंट करेगा क्योंकि दो होल्स में प्रेजेंट हो रहा है तो सिक्स अस्टामिन होंगे और दोनों छह स्टामिन कैसे अरेंज करेंगे तो दो होल्स में अरेंज करेंगे सबसे पहला जो होल्स होगा दैट इज योर आउटर होल्स जिसमें दो शॉर्ट स्टामिन होंगे दिस इज योर शॉर्ट एस्टामिन और जब इनर होल्स की बात करोगे तो इसमें चार कैसे होंगे लॉन्ग एस्टामिन जो आप लोग यहां देख रहे हो तो चार यहां पे लॉन्ग एस्टामिन है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा टेट्राडाइमेनस यहां क्या था डायडाइनस यानी दो लॉन्ग एस्टामिन प्रेजेंट होगा टेट्रा का स्ट्रक्चर जो है वो क्रूसुफेरिक फैमिली में देखने को मिलता है मस्टर्ड रेडिस टर्निप और आप लोग बहुत जान चुके हो कि मस्टर्ड रेडिस या रिप जो है ये किस किस चीज का मॉडिफिकेशन है ठीक अगला जो एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है लेंथ के आधार पर हेट्रोस्टामिनस हेट्रो मतलब हेट्रो मतलब डिफरेंट जहां स्टामिन जो वो डिफरेंट लेंथ के अरेंज हो एक ही फ्लावर में ऐसे स्टामिन को हम लोग कहते हैं हेट्रोस्टामिनस हेट्रोस्टामस स्टामिन जो कि कासिया में देखने को मिलता है बता चुका हूँ कासिया की फैमिली सिसलपिनियसी है ठीक आगे बढ़े अगला हम लोगों को पढ़ना है स्टामिन इंशर्सन अब एस्टामिन जब इंसर्ट होगा तो उसके इंसर्सन कैसे होते हैं सबसे पहला होता है इंसर्टेड इंसर्टेड मतलब अंदर घुसा हुआ होगा यहाँ पे ये अगर कोरोला का स्ट्रक्चर है अगर ये एक कोरोला है जैसे कि धतुरा में होता है जहाँ कोरोला जो है ये बिगड़ होता है किससे इस्टामिन से यानी कह सकते हो कि स्टामिन का साइज छोटा होगा इंसर्टेड होगा कोरोला के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते ऐसे इंसर्शन को हम लोग कहते हैं इंसर्टेड स्टामिन जो कि धथुरा में देखने को मिलता है दूसरा होता है एक्सर्टेड स्टामिन एक्सर्टेड स्टामिन में क्या होंगे कि यहाँ पे लॉन्ग, लॉन्गर स्टामिन होंगे जिसके कारण ये करोला से क्या कर जाएंगे बाहर निकल जाएंगे ये क्या करेंगे कोरोला से बाहर निकल जाएंगे ऐसे स्टामिन को हम लोग कहते हैं एक्सर्टेड स्टामिन जो मेमोसा पुड़ीका में देखने को मिलता है छुई मुई में हम लोगों को देखने को मिलता है कोई दिक्कत नहीं अगला अब हम लोगों को पढ़ना है एंथर के टाइप्स पे मैं थोड़ा देर पहले इधर लिखा था एंथर्स के टाइप्स पे ठीक अगर इतना होगा तो क्या होगा स्पोरेंजिया सबसे पहला इसमें आता है मोनोथिकल केश मोनोथिकल कहने का मतलब अगर एंथर में क्या हो एक ही लोब प्रेजेंट हो तो एक लोब प्रेजेंट होगा तो आप जानते हो एक लोब में दो स्पोडेंजिया प्रेजेंट होता है ऐसा एंथर का जो सेप होगा ये किडनी सेपेड होगा जो कि मालवेसी चाइना रोज में देखने को मिलता है क्लियर नेक्स्ट है डाइथिकल एंथर डाई मतलब दो अगर ऐसा एंथर हो जिसमें क्या हो टू लोब प्रेजेंट हो दो लोब अगर प्रेजेंट होगा तो थीका कितना हो जाएगा दो लोग अगर प्रेजेंट होगा तो चार स्पोरेंडिया प्रेजेंट होगा ऐसे स्टामिन को हम लोग कहते हैं डाइथिकल थीकल स्टामिन डाइथिकल एंथर और इसका जब क्रॉस सेक्शन काटोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन बटरफ्लाई सेपेड आएगा बटरफ्लाई सेपेड कहने का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आप लोग क्लास ट्वेल्थ में जब पढ़ोगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो उस समय आप लोगों को क्रॉस सेक्शन ऑफ दाम क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंथर पढ़ना है तो वहां इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा मैं यहाँ देखो ये फोर स्पोरेंजिया कैसे प्रेजेंट होते यहां क्या था दो लोब था आप जानते हो एक लोब में क्या होते हैं दो थीका एक थिका दो थीका दिस इज योर फर्स्ट लो दिस इज योर सेकेंड लो एक लोब में कितने दो थीका दिस इज योर टू थीका। और थीका में क्या प्रेजेंट होता है एस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जो एस्पोरेंजिया ये रहा आपका ठीक है क्लियर ये सेक्शन आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ में जब हम लोग बात करेंगे किस चीज का सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टामिन वहां ये पार्ट फिर से डिस्कशन आएगी बट अभी जान लो कि एंथर के टाइप्स में एक होते हैं डाइटिकल टाइप्स जहां पे दो लोब प्रेजेंट होंगे एंथर में और चार एस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट होने के कारण इसको आप कह सकते हो क्या कह सकते हो टेट्रा एस्पोरेंजिएट क्या कह सकते हो द कर सकते हो दो लोब प्रेजेंट होने के कारण इसको आप कह सकते हो बाई लोब्ड एंथर या इसका दूसरा नाम क्या है डाइथिकल एंथर क्लियर है चलो अब हम लोग बात करेंगे एंथर के अटैचमेंट के बारे में देखो नाम जो है इसमें सारा चीज बता देगा सबसे पहला क्या है बेसी फिक्स्ड एंथर बेसी फिक्स्ड एंथर मतलब ऐसा एंथर जिसका बेस जो है वो फिलामेंट से कनेक्टेड हो क्या हो ऐसा एंथर जिसका बेस कैस किससे कनेक्टेड हो फिलामेंट से कनेक्टेड हो ऐसे फिलामेंट को हम लोग बोलेंगे बेसी फिक्स्ड एंथर जो कि धथुरा में देखने को मिलता है बरासकिया में देखने को मिलता है धथुरा किसका मेंबर है सोलानेसी का मेंबर है ठीक है दूसरा है डॉर्सी फिक्स्ड एंथर डॉर्सी फिक्स्ड एंथर वैसे एंथर को कहेंगे वर्ड पकड़ो डॉर्सल डॉर्सल से क्या बना डॉर्सी फिक्स यानी ऐसा एंथर जिसका डॉर्सल साइड फिलामेंट के साथ क्या हो जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग कहेंगे फिक्स एंथर जैसे कि हेबिस्कस में देखने को मिलता है साइट्रस में देखने को देख मिलता है बच्चा लोग एक चीज और मेरे तरफ से आप लोग काम करोगे वर्क समझोगे इस काम को आप लोग जरूर करोगे हेबिस्कस रोजा साइनसिस शू फ्लावर या अरहूल या चाइना रोज ये इसका जितना मॉडिफिकेशन होता है या इसमें जो भी टाइप्स होता है फ्लावर का लीफ का आप सब हेबिस्कस सरोजा साइनसिस का सारा टर्म एक जगह जरूर लिख लोगे हेबिसकस सरोजा पे क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए आप देखते हो बहुत जगह हेबिस्कस सरोजा साइनस शू फ्लावर तो कभी चाइना रोज करके टर्म आए हैं तो हेबिस्कस में कैसा एंथर है डॉर्सी फिक्स एंथर है क्योंकि वहां पे डॉर्सल साइड फिक्स होता है किससे फिलामेंट से नेक्स्ट है नेक्स्ट है वर्सेलाइट वर्सलाइट एंथर वैसे एंथर को कहेंगे जहां पे एंथर अपने से हो this is my एंथर, तो ये अगर यहाँ से फिलामेंट से अटैच हो ऐसे एंथर को हम लोग क्या कहेंगे एंथर कहेंगे जो ग्रास में देखने को मिलता है अच्छा ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये चाहता है जब पोर बने जब डेसेंस करे जब फटे तो हम बहुत दूर तक क्या कर सके स्प्रेड कर सके इसलिए एंथर का जो अटैचमेंट है ये इसमें रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्स्ट है एडिनेट एडिनेट एंथर वैसे एंथर को कहते हैं एडिनेट एंथर वैसे एंथर को कहते हैं जहां फिलामेंट फ्रॉम द टीप टू द बेस और उसके बाद थ्रू आउट द फ्लावर अटैच हो यहाँ देखो फिलामेंट कंटिन्यू फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द एंथर दिस इज योर एपेक्स दिस इज योर बेस पूरे में ये भी क्या है ये भी यहाँ फिलामेंट है ऐसे एंथर को क्या कहेंगे एडिनेट जो हम लोग निलंबो में देखने को मिलता है ठीक है क्लियर है द फर्स्ट इज बेसिफिक्स जहां बेसल पार्ट से ज्वाइन डॉर्सिफिक्स जहां पार्ट से ज्वाइन करे वर्से जहां पे मिड पॉइंट से अटैच करे एडिनेट जहां पे थ्रू आउट द थ्रू आउट क्या हो फिलेंट प्रेजेंट हो एंथर में नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एंथर डे के बारे में डे ऑफ द एंथर मतलब कि एंथर जब फटेगा और उससे पॉलन निकले तो वो जो डेहिसेंस हो वो जो फटना हुआ, उसका क्या-क्या तरीका से फट सकता जिस जिस से है ओपनिंग ऑफ़ द मतलब जो सूचर है जो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर सूचर के पैरल हो जाए ओपनिंग हो तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल जो धथुरा में देखने को मिलता है शू फ्लावर में देखने को मिलता है शू फ्लावर इज योर हिबिस्कस रोजा सरोजा या इसी को हम लोग चाइना रोज कहते हैं ट्रांसवर्स डेहीसेंस ट्रांसवर्स डेहीसेंस जब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल अगर सूचर के पैरल हो ट्रांसवर्स अगर सूचर से 90 डिग्री पे डेहीसेंस करे दिस इज योर ट्रांसवर्स डेसेंस ऑफ द एंथर जो मालवेसी में देखने को मिलता है अब देखो यहाँ एक कंट्राडिक्ट्री है शूफ्लावर मालवेशी का मेंबर होते हुए भी लॉन्गिट्यूडनल डेसेंस शो करता है रेस्ट मालवेसी फैमिली जो है वो ट्रांसवर्स डे शो करता है नेक्स्ट डे हम लोग को पढ़ना है पोरिडिकल डेसेंस जहां पे पोरिडिकल वर्ड पकड़ भाई पोर जहां एक थी का पोर लाइक स्ट्रक्चर में हो दिस इज योर पोर और इससे ग्रेन क्या हो जाए डिस्पोस हो जाए वैसे एंथर को हम लोग कहते हैं वैसे एंथर के डेजेंस को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल ऑफ द एंथर नेक्स्ट इज वाल्वुलर वाल्वुलर एंथर कहने का मतलब जहां वाल्व लाइक स्ट्रक्चर बने वाल्व लाइक स्ट्रक्चर बनने मतलब एंथर में एक ओपनिंग बने यहाँ देखो एक एंथर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पे एंथर का अपर कवर क्या हुआ ओपन हो गया वाल्व लाइक स्ट्रक्चर खुल गया जिससे एंथर पॉलन गए दिस इज और पॉलन गए दिस इज डिस्पोस्ड आउट तो एंथर के डेसेंस में हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल एंथर होगा जो सूचेर के पैरल डेसेंस करे जैसे कि धथुरा शू फ्लावर में दूसरा ट्रांसवर्स होंगे डेसेंस जो सूचे से 90 डिग्री पे डेहीसेंस करे जो मालवेसी में देखने को मिलता है तीसरा अगर एक ठीका का पोर, पोर क्या कर एक ठिका जो है एक एंथर का थीका जो ये पोर लाइक -like स्ट्रक्चर बना दे फट जाए एट द वन एंड जैसे कि पोटैटो में होता है तो उसको कहेंगे पॉलिटिकल नेक्स्ट पढ़े वाल्वुलर जहाँ वाल लाइक स्ट्रक्चर बने और उससे डेहीसेंस हो उसको हम लोग कहेंगे वाल्वुलर एंथर डेहिसेंस ठीक है अब डेहिसेंस का जो अब जो एंथर डेहीसेंस हुआ उसके डायरेक्शन को भी हम लोगों को पढ़ना है तो दो तरह का डायरेक्शन होता है या तो वो सेंटर के तरफ डेहिसेंस करेगा या सेंटर से आउट करेगा अगर सेंटर के तरफ किया यानी फ्लावर के अंदर डेहिसेंस कर रहा है तो इसीलिए उसको कहा गया इंट्रोज और फ्लावर से बाहर कर रहा है सेंटर से आउटसाइड कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं है? डेस होने के बाद सारा एंथर सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं जबकि एक्सट्रोज डेहीसेंस जो है यहां पर सारा एंथर सेंटर से आउटवर्ड मूव कर रहे हैं आई क्लियर चलिए अच्छी बात अब आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव होल्स या एंड्रोशियम की बात स्टामिन्स की बात कर ली बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने देखा आप लोग बार बार इस टर्मिनोलॉजी के साथ जाएंगे उसके एग्जाम्पल के साथ जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब हम लोग गाइनेशियम को देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो अब तक हम लोग कैलिक्स कोरोला एंड रोशियम के बारे में पढ़ लिए थे अब हम लास्ट होल्स में आएंगे फ्लावर के दैट इज गाइनेशियम याद होगा हम लोगों ने कुछ फ्लावर्स के नाम पढ़े थे सच आज एस्टामिनेट फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर ठीक अब हम गाइनेशियम की जब शुरुआत करेंगे तो गाइनेशियम इज अगेन प्लुरल फॉर्म जिसका सिंगुलर क्या होता है कार्पेल होता है जो कंप्राइज करता है तीन पार्ट्स स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी स्टिग्मा जो है ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जनरली एक जिम एक, एक एंजियोस्पर्मस ओवरी एक एंजियोस्पर्मस जिम्नो क्या कर रहे हैं बाक यहाँ तक काट कर देना अब तक हम लोग कैलिक्स करोला एंड्रोशियम की बात कर चुके हैं अब हम लास्ट आज हम लास्ट फीमेल अरे आप लोग हसाना बंद कीजिए ना ओह <laughs> oh. <laughs> yeah, यहां तक भी कट करना है प्लीज अब के बच्चे में चेहरा दिखाइएगा आनंद सर <laughs> अब तक फ्लावर में हम लोग कैलिक्स करोला रोशियम की बात कर चुके थे अब हम लास्ट होल में आएंगे और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल जो है वो काइनेशियम की बात करेंगे गाइनेशियम जो है वो प्लुरल फॉर्म है जबकि उसका सिंगुलर जो होता है वो कार्पल होता है जो बना हुआ होता है तीन पार्ट से स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में एक एनजियो प्लांट में जनरली स्टिग्मा जो होता है ये डिस्कलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन को क्या करेगा कलेक्ट करेगा स्टाइल जो है ये कनेक्टिंग लिंक है स्टिग्मा और ओवरी का और ओवरी में हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होगा ओव्यूल में एक प्रेजेंट होगा और वहाँ पे जाके फिर फ्यूज ये होगा क्या कहते हो फर्टिलाइजेशन होगा पॉलिन और एक का जिससे पूरे के पूरे फिर नए जनरेशन बनेंगे जाइगोट्स बनेगा और आगे आगे की बात होगी दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सो आप कह सकते हो स्टिग्मा स्टाइल अगेन यहाँ पे नॉन इसेंशियल पार्ट है फॉर द गाइनेशियम क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जबकि ओवरी जो है एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि यहां पे हमारा गैमिट्स मेगा यहां पे हमारा गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है फीमेल गैमिट्स को हम लोग क्या कहते हैं एक कहते हैं और मेल गैमिट्स को हम लोग क्या कहते हैं पॉलिन ग्रेन कहते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कार्पेल जो है उसके नंबर्स कई भी होते हैं अगर एक कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे मोनो मोनो मतलब एक तो अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोकार्पेलरी जैसे कि फेवियसी फैमिली में होता है पल्सस फैमिली में होता है कह सकते हो पी ग्राम इसका एग्जाम्पल है दूसरा है बाय कार्पलरी जहां पे कार्पल का नंबर कितना हो जाएगा दो ट्राई कार्पलरी कार्पल का नंबर कितना हो जाएगा थ्री जैसे कुकुरबिटेसी में है टेट्राकारपलरी जहां कार्पल का नंबर क्या हो जाएगा चार मल्टी कार्पलरी चार या उससे अधिक कार्पल जब प्रेजेंट हो एक ही गाइनेशियम में तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर जहां निम्फेशी जिसका एग्जाम्पल है ठीक है हम लोग बाई कार्पोलरी रायकार्पोलेट मल्टी टेट्राकाररी मल्टी कार्पोलरी को कंबाइन करके डायरेक्टली मल्टी कार्पेलरी भी कह सकते हैं क्योंकि मल्टी मतलब मेनी होता है जब एक से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग मल्टी कार्पलरी में डाल सकते हैं तो नंबर ऑफ कार्पल्स में हम लोग क्या क्या पढ़े मोनो ट्राई टेट्रा और उसके बाद मल्टी कार्पलरी फ्यूजन अब पढ़ना है अगर कार्पेल मल्टी कार्पोलरी स्ट्रक्चर में मोनोकार्पलरी में तो फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक ही कार्पेल है तो मल्टी कार्पोलरी स्ट्रक्चर में अगर फ्री है अगर फ्री है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एपो कार्पस और सिन कार्पस वर्ड जो है ये डिनोट करता है जब मल्टी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो फ्यूज्ड हो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मल्टी स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सिन कार्पस स्ट्रक्चर कहते हैं जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अरहुल में देखने को मिलता है टोमेटो और मस्टर्ड भी इसका एग्जाम्पल है एपोकार्पस का एग्जाम्पल लोटस रोज और माइशीलिया ये प्लांट का नाम आपको क्लास ट्वेल्थ के एन बुक में डिस्कशन किया गया ठीक अब हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे सबसे पहला स्टिग्मा तो स्टिग्मा प्रेजेंट एट द टिप आप डायग्राम में देख रहे हो स्टिग्मा हमारे टिप पर प्रेजेंट होता है और हमने बताया है जिसका काम क्या है पॉल ग्रेन को सिर्फ और सिर्फ रिसीव करना ये डिस्क सेप भी हो सकता है हेडलाइट भी हो सकता है स्टोरिकल भी हो सकता है और फिदरी भी हो सकता है फिदरी अगर होगा तो ब्रांच हो या अनब्रांच हो कुछ भी हो सकता है जैसे कि पोएसी मेंबर में होते हैं पोएसी मेंबर्स या ऐसा सारा प्लांट जो एयर पॉलिनेशन शो करता है उन सारे में स्टिग्मा जो होंगे वो फीदरी इन नेचर होंगे ठीक है नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है स्टाइल स्टाइल इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसका काम क्या था कनेक्ट ओवरी एंड स्टिग्मा ये स्टिग्मा और ओवरी को क्या करेगा कनेक्श करेगा ये सिंपल होंगे सिंपल मतलब सिंगल और अनब्रांच है जैसे कि हिबिस्कस बाईफिट बाईफिट मतलब होता है जहां पे ब्रांचिंग हो और दो लाए बाई मतलब टू यानी ऐसा स्टिग्मा जिसमें ब्रांचिंग हो और ऐसा स्टाइल जिसमें ब्रांचिंग हो और दो हो फैमिली में देखने को मिलता है नेक्स्ट इज गाइनो बेसिक ऐसा स्टाइल जहाँ गाइनेशियम से गाइनेशियम मतलब ओवरी के बेस से स्टाइल अराइज कर जाए ऐसे स्टाइल को गाइनो बेसिक स्टाइल कहते हैं जो होली वैसल तुलसी में देखने को मिलता है नेक्स्ट इज लैटरल स्टाइल जहाँ पे ओवरी के साइड से स्टाइल अराइज कर जाए ऐसे स्टाइल को हम लोग लैटरल स्टाइल कहते हैं जो मैंगो में देखने को मिलता है अगर ऐसा हो कि पिस्ते जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्राइल स्टामिन को स्टेमिनोइड कहते हैं उसी तरह रेड्यूस पिस्टिल या इस्ट्राइल पिस्टिल को हम लोग पिस्टिलोइ करते हैं एग्जाम्पल रे फ्लोरेट सनफ्लावर में दो फ्लावर दो फ्लोरेट हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट तो रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या था हेड इन्फ्लोरेसेंस था ये सारी डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे ये इसका एग्जाम्पल है पिस्टलॉइड का क्यों ये रिड्यूस है क्योंकि इसका ये जो काम है फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करना फ्यूजन करना न्यू जनरेशन को अराइज करना ये नहीं करते हैं यहां डिस्क फ्लोरेट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ें ओवरी की तरफ चलो अब तक हम लोग एस्टिग्मा स्टाइल के बारे में देख चुके थे अब हम लोग ओवरी के बारे में देखेंगे ओवरी में एक चीज याद रखना कि ओवरी के अंदर भी पार्टीशन होता है जिस पार्टीशन को कंप्लीट करता है सेप्टा के थ्रू यानी अगर ये एक ओवरी का इनर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर ये जो लाइन है दिस इज द सेप्टा दिस इज द सेप्टा और इससे जो ये एरिया बना है बना है ना दिस इज नोन एज लॉक्यूल कैविटी ऑफ द ओवरी विच इज क्रिएटेड बाय द सेप्टा इज नोन एज लॉक्यूल तो लॉक्यूल के आधार पर ओवरी कुछ टाइप्स के होते हैं सच एज यूनी लॉक्यूलर यूनी मतलब एक लॉक्यूलर मतलब लॉक्यूल जहाँ एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट हो जैसे पी ग्राउंड नट ये आपको दिख रहा होगा दो लॉक्यूल है लेकिन आप मटर को इमेजिन करो पॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ पी व्हेन यू ओपन एक ही लॉक्यूल रहता है एक ही कैविटी रहता है जिसके अंदर सीड्स अरेंज रहते हैं दूसरा है बाई लॉक्यूलर स्ट्रक्चर बाई मतलब टू जहां पे लॉक्यूल्स का नंबर कितना होगा बच्चे लोग दो होगा जैसे कि मस्टर्ड में तीन लॉक्यूल अगर प्रेजेंट हो ट्राई लॉक्यूलर जैसे कि बनाना में एक दो तीन चार लॉक्यूल अगर प्रेजेंट हो टेट्रा लॉक्यूलर एक दो तीन चार पांच लॉक्यूलर प्रेजेंट हो पेंटा लॉक्यूलर और इस तरह से बहुत आगे तक जाते हैं तो इन सारों को बाइलॉक्यूलर से लेके लास्ट तक सारे लॉक्यूल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कहा जाता है प्लूरोक्युलर ओवरी कहा जाता है प्लूरो मतलब प्लूरल फॉर्म में चाहे वो बाइलॉक्यूलर हो चाहे वो ट्राई हो चाहे टिट्रा हो चाहे पेंटा हो या और आगे जहां तक आपको ले जाना है ठीक है अब ओवरी के पोजिशन ये टॉपिक आपके नीट के लिए हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अराइजिंग टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के नचा के पूछना इसको तय सबसे पहला जो है उसमें होता है हाइपोगाइनस फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि जो गाइनेशियम का पोजीशन होता है वो हाईएस्ट होता है गाइनेशियम का क्या पोजीशन होता है हाईएस्ट पोजीशन होता है बाकी सारा पोजीशन उसके बाकी सारा फ्लोर पार्ट उसके बाद आता है ऐसे फ्लावर को हाइपोकाइनस कहते हैं और ऐसे ओवरी को क्या कहा जाता है सुपीरियर ओवरी क्यों सुपीरियर है क्योंकि ये हाईएस्ट पोजीशन पे है. जैसे एक यहां पे डायग्राम में देखो दिस इज योर ओवरी दिस इज योर ओवरी जो अपने पोजीशन पे हाईएस्ट है इसके बाद एंड्रोशियम है इसके बाद कोरोला है और इसके बाद कैलिक्स है ना तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे और ऐसे ओवरी को क्या कहेंगे सुपीरियर ओवरी कहेंगे जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड ब्रिंजल मैंगो ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल है ठीक है अगला जो है वह है पेरीगाइनस। यहां पे क्या होता है थैलमस कपलाई का स्ट्रक्चर अराइज करता है ये आपका क्या है थैलमस ये देखो कपलाई स्ट्रक्चर अराइज करता है इस कपलाई के स्ट्रक्चर में ओवरी सिचुएटेड होते हैं कंप्लीटली तो अंदर नहीं है बीच में है इसीलिए ऐसे ओवरी को हम लोग कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी या हाफ सुपीरियर ओवरी जो कहो दोनों कहा जाता है ऐसे ओवरी को क्या कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी या हाफ सुपीरियर ओवरी और जो थैलमस का रीम होता है इसके रीम से अदर फ्लोरल पार्ट आराइज करते हैं जैसे कि रोज प्लम पीच ठीक नेक्स्ट जो है एपिगाइनस एपिगाइनस गाइनस ईपी गाइनस वैसे फ्लावर को कहते हैं जहां पे ओवरी जो है वो कंप्लीटली थैलमस के अंदर होता है और फ्यूज होता है क्या होता है कंप्लीटली ओवरी इनक्लोज होता है थैलमस में और फ्यूज होता है और जो थैलमस का रीम होता है वहाँ से सारे अराइजमेंट होते हैं यहाँ कम्प्लीटली नहीं था यहाँ हाफ इन था हाफ ऑफ था यहाँ क्या है कम्प्लीटली अंदर है इसीलिए ऐसे ओवरी को क्या कहा जाएगा ऐसे ओवरी को हम लोग कहेंगे इनफीरियर ओवरी और ऐसे फ्लावर को कहेंगे ई फ्लावर जैसा कि एग्ज़ाम्पल में गा एप्पल कोकम्बर ये सारे एग्जाम्पल हैं तो एक बार फिर से इस टॉपिक को देखेंगे सबसे पहले हाइपोगाइनस फ्लावर था हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है सुपीरियर ओवरी होता है जहाँ पे ओवरी का पोजीशन हाईएस्ट होता है अदर फ्लोरल पार्ट उसके बाद अरेंज होते हैं नेक्स्ट इज पेरी फ्लावर जहाँ ओवरी कप लाइक थैलमस में सिचुएटेड होते हैं और उसके रीम पे कैलिक्सोला एंड्रोशियम प्रजेंट होता है इसमें जो ओवरी का ओवरी इसमें कैसा होता है हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ईपी गाइनस फ्लावर जहाँ पे ओवरी जो है वो थैलमस में कंप्लीटली फ्यूज होता है ऐसे ओवरी को हम लोग इन्फीरियर ओवरी कहते हैं और इस इन्फीरियर ओवरी के थैलमस के रीम के ऊपर अदर फ्लोरल पार्ट अराइज करते हैं ऐसे फ्लावर को ईपी गाइनस फ्लावर कहते हैं जैसे कि गुआवा एप्पल कम्बर में होता है ठीक है तो अब तक हम लोग आज क्या क्या पढ़े आज हम लोग पढ़े सबसे पहले एस्टिवेशन के बारे में उसके बाद पढ़े एंड्रोशियम के बारे में उसके बाद पढ़े गाइनेशियम के बारे में गाइनेशियम में तरह तरह से हम लोगों ने स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी के बारे में पढ़ा अब जो टॉपिक बचा है इंटरनोडल लॉन्गेशन बचे हैं टॉपिक उसके बाद प्लासेंटा बचा है फ्रूट्स बचे हैं ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक <laughs>